क्या पूरा मामला बताएंगे? ये थाना बीवर का जो गांव है नगला कुड़ी, उसके पास सूचना थी कि अवैध शराब का तस्करी करने वाले पूरा गैंग है जो शराब उतार रहा है। इस सूचना पर थाना बीवर की पुलिस और स्वाट टीम प्रभारी जोगिंदर सिंह नेतृत्व में वहाँ पहुँची थी। पुलिस को देखते ही बदमाशों ने फायरिंग करना शुरू कर दी। बड़ी मुश्किल से जो है दो लोगों को गिरफ्तार किया सका और पाँच लोग फरार हो गए। इस दौरान 200 पेटी अवैध शराब जो हरियाणा से लाई गई थी बिक्री करने के लिए, और मैं एक छोटा हाथी गाड़ी और एक अपाची गाड़ी साथ बरामद हुई है। बड़ी बात यह है कि जो गाड़ी है जिसमें बरामद हुआ है उसमें आगे नंबर कुछ और लिखा हुआ है, पीछे नंबर कुछ और लिखा हुआ है, दोनों डिफरेंस है। आगे 3622 लिखा, पीछे 3692 लिखा हुआ है। इस तरह से ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल चौबीसी करने के लिए, दुखारी करने के लिए नंबर भी उन्होंने चेंज किया गया है। यह 7 अपराधी हैं जो शराब की तस्करी करके पूरे जनपद में सप्लाई करते हैं, जिसमें 5 लोग फरार हुए हैं, 2 गिरफ्तार किया गया है। कितनी पेटी पकड़ी गई है? 200 पेटी शराब बरामद हुई। क्या कीमत होगी? करीब के हैं और उसी गैंग के बाकी सदस्य हैं, उन्हीं को हम लोग क्लास में रखते हैं, उसी में से पकड़े गए। सर मुठभेड़ में कितने राउंड फायरिंग हुई होगी? ये 7-8 राउंड फायरिंग हुई। सर कोई घायल भी हुआ? घायल कोई नहीं।